सब लोग यहाँ पे अपने एक एक पेड़ लेकर आए हैं, अलग अलग तरीके के पेड़ लाए हैं, शायद लोगों ने इस तरीके के नाम सुने भी नहीं होंगे, जैसे सिंदूर का पेड़ है जो एक अनोखा पेड़ है कि सिंदूर का पेड़ सुनने में नहीं आता, लेकिन वो लोग लेकर आए हैं। सांसें हो रही है कम, 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 आवाज नहीं आ रही अभी, सांसें हो रही है कम, सांसें हो रही है कम। आप अभी जंतर मंत्र जो प्रदर्शन कर रहे हैं अपना, आपकी जो यहाँ पर क्या विषय आज आपका? हमारा यहाँ विषय है कि हम जागरूकता फैलाने के लिए आए हैं पेड़ लगाने के ऊपर। तो जागरूकता तो सरकार भी ऐसे अभियान काफी चला रही है, पेड़ बचाओ, तरह तरह के अभियान सरकार द्वारा लगाए जा रहे हैं, पेड़ भी लगाए जा रहे हैं, तो उसमें अन्य संगठन द्वारा ऐसे प्रयास करने की क्या आवश्यकता यहाँ पड़ रही है? देखिए, सरकार बहुत सारे कार्य करती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो अवेयरनेस फैला रही है तो पेड़ लगा रहे, लेकिन पेड़ लग नहीं रहे। लेकिन ये कि अगर टाइम टू टाइम ऐसे अगर हमारी एनजीओ, कोई भी एनजीओ अगर इस तरीके के कार्य करती है, तो ये एक लोगों के लिए रिमाइंडर के तौर पे होता है कि हाँ, हमें पेड़ लगाने चाहिए। मेरा नाम संजना सेजवाल है, मैं जन कल्याण भूमि मुक्ति फाउंडेशन से हूँ और आज यहाँ पे जंतर मंतर पे बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत एनजीओज आ रखी हैं और अलग अलग स्टेट से भी लोग आ रखे हैं, बिहार से, पंजाब से, छत्तीसगढ़, लखनऊ, इंदौर, यहाँ से भी यहाँ पे जंतर मंतर पे आज बहुत सारी एनजीओ इकट्ठी हो रखी है। तो सबका मकसद यही है कि जो ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैला सके कि लोग यहाँ पे पेड़ लगा सके, और पेड़ सिर्फ लगाना नहीं, उसकी पूरी रक्षा करना, उसको पानी देना, क्योंकि आजकल अगर छोटा बच्चा भी कोई होता है ना जो स्कूल में जाने लग जाता है, उसको भी पता है कि पेड़ क्या करता है, पेड़ पे फल उगते हैं, उनको भी पता रहता है कि सेब कहाँ उगता है, पेड़ पे उगता है। तो हम इतने बड़े हो गए हैं, इस एजुकेशन का फायदा क्या हुआ जब हम एक पेड़ लगा करके उसकी रक्षा नहीं कर सकते और ज्यादा से ज्यादा पेड़ नहीं लगा सकते, तो हमारी एजुकेशन का भी कोई फायदा नहीं है। तो जैसा कि अपनी रक्षा की बात की, हमने भी तमाम ऐसे संगठन देखे हैं, सरकार भी ऐसी पेड़ लगा देती है पर उनका जो संरक्षण नहीं कर पाती, पेड़ तमाम लगते हैं पर वो बच नहीं पाते, वहीं पर सूख जाते हैं, उसका कारण सिर्फ हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग उसकी देखरेख नहीं करते। सिर्फ मैं कह रही हूँ ना कि मैंने जैसा अभी पहले कहा कि पेड़ लगाना काफी नहीं है, उसकी पूरी देखरेख करना, जब हम उसको पौधा लगाते हैं, छोटा सा जब हम उसको बीज डालते हैं, वो धीरे धीरे पौधा बनता है, फिर वो पेड़ बनता है, तो हमारी पूरी पूरी की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि जब तक वो पेड़ हरा भरा ना हो जाए, फिर धीरे धीरे हम बड़े होते हैं, हमें परवरिश देते हैं, संस्कार देते हैं, तो वो हमें आधा अधूरा नहीं छोड़ते, वो हमारी पूरी मरते दम तक हमारी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेकर चलते हैं, तो हमें भी एक पेड़ की जिम्मेदारी इसी तरीके से निभानी चाहिए। जैसा कि आपका जो यहाँ पर जंगल बचाओ अभियान है, उस पर आप किस तरीके से कार्य कर रहे हैं? अभी हम लोगों ने यहाँ पे जिस तरीके से किया है कि सब लोग यहाँ पे अपने एक एक पेड़ लेकर आए हैं, अलग अलग तरीके के पेड़ लाए हैं, शायद लोगों ने इस तरीके के नाम सुने भी नहीं होंगे, जैसे सिंदूर का पेड़ है जो एक अनोखा पेड़ है कि सिंदूर का पेड़ सुनने में नहीं आता, लेकिन वो लोग लेकर आए हैं। तो यहाँ के लोग ऐसे हैं जो जो इस एनजीओ में अभी यहाँ पे जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए हैं, वो लोग अपने साथ बीज लेकर भी चलते हैं, कि अगर वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं दूसरी जगह से दूसरी जगह पे, तो वो अपने वहाँ पे ना बीज डालते हुए चलते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई पौधा तो उग ही जाएगा, जब बारिश होगी उसमें पानी डल जाएगा, तो वो अपना कार्य तो पूरा करके चलते हैं, और आसपास जो वो पेड़ लगाते हैं वो तो अलग ही है। तो आप पौधे लगाने से ये तो नहीं कि वो अपना उग जाएगा, उसकी देखभाल भी करनी होती है, बारिश हर सीजन नहीं होता बारिश का, पौधों के लिए पानी दिन रात ये होता है, तो उसके लिए कैसे काम होगा? बिल्कुल, देखिए ये हमारा काम है, अगर हम अपने घर के पास पेड़ कोई भी लगाते हैं, पौधा जो हम उगाते हैं, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसकी देखभाल करते कैसे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ पेड़ लगा करके छोड़ देना चाहिए, नहीं, ये हमारा फर्ज नहीं है। हमारा फर्ज ये है कि अगर हम कोई भी पौधा उगा रहे हैं तो हम उसकी पूरी की पूरी देखभाल करें, उसमें पानी डालें, और ये हमारी खुद की एक सोच होनी चाहिए, हमारा एक फर्ज होना चाहिए कि हम एक पेड़ लगाएं और उसकी पूरी देखभाल करें। देखिए, कोई आपके दिमाग में आके रातों रात ये बात डाल कर नहीं जाएगा कि हाँ, तू सुबह उठेगा और तुझे पेड़ लगाना है, नहीं,
ये हमें खुद एक जिम्मा लेना पड़ेगा, हमारी जिम्मेदारी एक फर्ज समझना पड़ेगा, जब ही कुछ एक आगे स्टेप होगा, अदरवाइज नहीं। अच्छा, जन कल्याण भूमि जो आपका फाउंडेशन है, उसमें आपकी क्या भूमिका है, किस तरह से कार्य कर रहे हैं? मैं अपनी फाउंडेशन में एक अध्यक्ष के तौर पे हूँ। मेरे पिताजी राजेश सेजवाल, वो उसके संस्थापक हैं। और हमारी एनजीओ सिर्फ एक पेड़ उगाने के ऊपर काम नहीं करती, हम सिर्फ एक वृक्षारोपण के ऊपर काम नहीं करते, हमारी एनजीओ बहुत सारे काम करती है, जैसे कि जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं उनका रेस्क्यू करके, उनकी मेडिकेशन करके, और अपने पास उनको रखना, उनकी देखभाल करना, खाना पीना करना। और हमारे पास अभी 50 से ऊपर डॉग्स हैं और काव है, कैट्स हैं, जिनकी हम देखभाल करते हैं, उनको हम छोड़ नहीं देते कि हमने अगर जहाँ से उसे उठाया है हम उसे वहीं वापस छोड़ दें, नहीं, ये हमारा फर्ज हमें कहता ही नहीं है। उसके बावजूद जो हम एजुकेशन के लिए करते हैं, जो रोड पे जो बच्चे सामान बेचते हैं इधर उधर घूम के, हम उनको पढ़ाते हैं, उसके बाद उनकी पूरी हाइजीन का ध्यान रखते हैं, उनका खाना पीना करते हैं। ऊपर से कोरोना काल में जिस तरीके से कितने सारे लोग ऐसे थे कि जिनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया, तो हमने उनका अंतिम संस्कार भी किया है, उनको फ्री प्रोवाइड किया है लकड़ियाँ की, क्रिमेशन ग्राउंड में हमने लकड़ियाँ भी फ्री प्रोवाइड की है। सर्दियों के टाइम पे हम ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कपड़े डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, गर्मियों के टाइम भी हम सेम यही काम करते हैं, कोविड के टाइम पे हमने खाना वाना भी बहुत बांटा है। तो हमारा एनजीओ सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ पे काम नहीं करता, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हमारा एनजीओ काम करता है। JKBM फाउंडेशन के नाम से इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, एवरीथिंग, एवरीवेयर वो हमारा। जैसा कि आपने बताया आप अभियान चला रहे हो, तो आज का जो आपका ये मूवमेंट है, इसको आपने प्रदर्शन का रूप क्यों दिया, नाम क्यों दिया प्रदर्शन? देखिए, प्रदर्शन का रूप हमने इसलिए दिया क्योंकि जब तक लोग इकट्ठा नहीं होते तब तक मेरे ख्याल से कोई जागरूकता नहीं फैलती। एक इंसान की तो आजकल कोई रोड पे खड़े होकर सुनता तक भी नहीं है जब तक इकट्ठे ना हो। अभी आप देख लो, अगर कि रोड पे एक जना खड़ा होकर कुछ बोल रहा है, कोई नहीं सुनेगा उसकी। उंगली में ताकत नहीं होती है, लेकिन जब वो मुट्ठी बनती है तब उसमें ताकत होती है। तो ऐसे तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने काफी मतलब ऐसे चर्चाएं की हैं पर्यावरण को लेकर, उनको तो लाखों लोग सुनते हैं। देखो, लाखों लोग सुन के एक कान से निकाल देंगे, एक कान से सुनेंगे दूसरे से निकाल देंगे, लेकिन हमारा फर्ज है कि हम उसको कान में डाले तो सही, ये हमारा फर्ज है। अब वो कितना सोचता है, कितना करता है, इसका जिम्मा हम नहीं ले सकते। हम सिर्फ अपने बारे में कह सकते हैं कि हाँ, हम ये जिम्मेदारी पूरी करेंगे, और हम जब तक करेंगे जब तक लोग अच्छे तरीके से कार्य नहीं करने लग जाते, हमारा ये काम है, हम करें। अब तक आपने ऐसे कितने जंगलों में काम किया है जिन मतलब पेड़ पौधों को बचाया है? जैसे तमाम ऐसे जंगल हैं वहाँ पर पेड़ों की कटाई होती है इलीगल, तो आपने कितने ऐसे प्रयास किए? देखिए, हमारे लाड़ोसराय के पास बहुत सारे जंगल है जिनमें आसपास हमने बहुत पेड़ लगाए हैं, और हमारे खुद के वहाँ पे भी जो पेड़ पूरा नष्ट हो रहा था उसको अच्छे से काट के उसको दोबारा से हमने उगाया है, और वो अच्छा हरा भरा भी हुआ है, और आसपास उसके हमने जालियां बांध दी है कि कोई इसको तोड़ ना सके, कोई गिरा ना सके। उसको रोज पानी देकर आते हैं, पापा मेरे रोज सुबह उठ के पानी देकर आते हैं सारे पेड़ों में, और कभी कभी नगर निगम को भी बोल देते हैं कि प्लीज इनको पानी प्रोवाइड कर दो, क्योंकि हमेशा जो दूर दूर है वहाँ पर भी हम बाल्टी लेकर के नहीं जा सकते, जो थोड़ा दूर है वहाँ पे हमें हेल्प चाहिए ही होती है। सर, आपका क्या नाम लगा दिया जाए? जी, मेरा नाम पीपल मैन रघुराज प्रताप सिंह है, मैं हमीरपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। तो जैसा कि आपने पीछे लिख रखा है कि हमें कोयला नहीं, हमें शुद्ध वातावरण चाहिए, पर्यावरण चाहिए, तो कोयले के बिना तो ना बिजली है ना कुछ, तो कोयला भी चाहिए हमें, तो जरूरी है कोयला भी जीवित लेने के लिए। हाँ, कोयला जरूरी है, लेकिन जैसा कि आविष्कार हुआ था तो कोल का, तो लग रहा था कि ये जरूरत है, लेकिन आज वो अभिशाप बन गया है। ठीक है, जिस प्रकार इसका दोहन किया जा रहा है प्रकृति का, वो आज अभिशाप बन गया है। उसकी वजह से आज जिस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ रहा है, जिस प्रकार टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो मानव सभ्यता को खत्म कर सकता है। तो क्या आप कोयले का बहिष्कार करना चाहते हैं एकदम से? नहीं, मैं बहिष्कार नहीं करना चाहता। जैसे क्लाइमेट के लिए, जैसे कि डेवलप कंट्री है, तो वो क्या है ना कि कोयला हम लोग जैसे कि 2030 तक ये कि कोल कम उसका यूज करके, और जैसे पवन बिजली का इस्तेमाल करके, और अदर कंट्री जो डोनेशन, जो डेवलप कंट्री है, तो वो डोनेशन इंडिया को दे, जिससे हम लोग कोल को कम यूज करें, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा। तो अभी तमाम ऐसी खबरें चल रही कि कोयले की भी कमी भारत के अंदर पाई जा रही है, कोयला भी कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है, तो उसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, कोल खत्म होता जा रहा है, जो एक्चुअली में जो ये पेड़ है, पेड़ों द्वारा ही जो ये
कोयला जो संरक्षित हुआ था, बरसों लग जाते हैं इस कोल को संरक्षित करने में और बरसों लग जाते हैं उसको निकालने में भी, लेकिन जैसे ही पता चला कि हम ये ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट पहल कर रही है कि ये कोल को रोका जाए और जो खनन हो रहा है उसको कहीं तक कम किया जाए।